अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो असालम के जो आजकल जो अप्लाई किया है लोगों ने, उनमें कितनी कमी आई है। इटालियन से बोलते हैं इनकालो ने तो लेदमान दे दजीरो। ये 4 जनवरी 2019 रोम में ये Crollo degli sbarchi e la stretta contenuta del decreto sicurezza divenuto legge stanno determinando un netto calo delle domande d'asilo. Ye iskama ko iski translate bhi karta hu ke dekhe jo jab se ye bana hai ye kanun jo Salvini ka Matteo Salvini ka jo kanun jo bana hai decreto sicurezza uske tahat jo hai abhi jo asylum ke jo demande hain wo kam hone shuru ho gaye hain। दिसंबर में इसकी 27% जे थे, यानी कि 2753 जो दुमांदे थे वो, और उसके बाद नवंबर में ये थे 3784, यानी कि और कम हो गया। अभी जनवरी में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो जो डेट्स हैं वो स्टेटिक्स हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसके अलावा जो in aumento i dinieghi 82% del totale che erano 80% a novembre ed 74% ad ottobre. Ieri che io ho asil che io domande te asylum che unka jo refuse hona wo badh gaya hai jo ke abhi is waqt 82% तो उन्होंने जो है ना किए थे रिफ्यूज किए थे केस जो के नवंबर में थे, और 74% जो थे अक्टूबर में। ठीक है, अभी कंचला तदल प्रोविडिमेंटो, उसके बाद जो ये देखे प्रोटेक्शन ह्यूमानिटारिया कंचला तदल प्रोविडिमेंटो दल मिनिस्ट्रो सर्बीनी, चूंकि ये जो हमारा देखने में आ रहा है जो असाइलम थी ह्यूमानिटारी वाली उसको उन्होंने कैंसिल किया था, वो जो डिक्रेटो सल्विनी जो था उसके बारे में। तो अभी जिनको दिसंबर में जिनको जो थे असाइलम सीकर थे उनको दिया गया है ये एस्टा था कौनसे 7 दिसंबर 63% दी रिकेडेंट थी असीलो 236%, यानी ये पूरा जो दिसंबर में जिन लोगों को की असाइलम पास हुई है वो थे सिर्फ और सिर्फ 236 लोग, यानी टोटल 236 लोग थे जिनकी असालम जो दिसंबर में जो पास हुई थी। ठीक है, कॉन्ट्रो इल 5% दिन नवंबर एल 13 अक्टूबर, यानी कि उस जब भी जिन लोगों के केस पास हुए थे वो अक्टूबर में वो 13% थे और नवंबर में वो कम होके 5% हो गए। अभी दिसंबर में उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 3% हो गई है जिनका असालम जो केस पास हुआ है। ये रोहिंदी का नोदा थी विमिनाले, इनका जो इदारा है विमिनाले उसके हिसाब से जो जो कुछ ये आपको मैंने ये इस वीडियो में बताया ये टोटल स्टैटिक्स जो है वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखें आजकल जो डिक्रेटो सल्विनी के अप्लाई होने के बाद जब भी पास होने के बाद ये जितना भी कमी आई है ये आपको मैंने सब बताया जो असालम सीकर हैं उनके बारे में। ये चूंकि अभी जो रियल केसेस हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, और उसके अलावा एक और मैं आपको बात बताता चलूं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये तो था जितने आदमी जितने लोग हैं जिन्होंने यानी कि जिनकी कमी हुई है असालम अप्लाई करने में, ये उसका टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका ये जो डिपोर्ट करने के बारे में उनका क्या ख्याल है। इंशाल्लाह फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।